दोस्तों, अगर आपको मिट्टी से बाल गणेश जी का मूर्ति बनाना सीखना है और अगर आपको बिल्कुल भी मूर्ति बनाना नहीं आता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं मिट्टी से इस टाइप का एक छोटा सा बाल गणेश जी का मूर्ति बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बना के दिखाऊंगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस छोटी सी वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले मैं मिट्टी से राउंड शेप करके दो प्लेटफॉर्म बना लूँगा और दोनों को एक के ऊपर एक रख के आपस में जोड़ दूँगा। जोड़ने के लिए मैं बीच में पानी का इस्तेमाल करूँगा ताकि दोनों जो राउंड शेप का जो प्लेटफॉर्म है वो आपस में जुड़ जाए। दोनों को जोड़ने के बाद अब दोनों को मैं अपने उंगलियों से अच्छे करके क्लीन करूँगा, क्योंकि हम इसके ऊपर गणेश जी का मूर्ति को बनाएंगे, तो यह एक प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, मैं गणेश जी का सबसे पहले पैर बना रहा हूँ। तो दो लंबा सा मिट्टी का मैंने कॉयल बना लिया था, अब उस दोनों कॉयल को देखिए मैंने पैर बना दिया। और अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये गणेश जी का धोती यानी कि कपड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पैर बनाया, अब पैर के ऊपर जो गणेश जी का धोती है उसको देखिए मैं बना रहा हूँ। अब धोती को बनाने के बाद हम बनाएंगे गणेश जी का पेट। गणेश जी का पेट बनाने के लिए हम मिट्टी का एक बॉल बना लेंगे और उस बॉल को ये दो पैरों के बीच हम लगा देंगे। तो दोस्तों ये देखिए, हमने मिट्टी का एक बॉल बना लिया और यहाँ पे मैंने उस बॉल को बिठा दिया और पीछे से कुछ मिट्टी से मैं इसको पैर के साथ मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये होगा गणेश जी का पेट। और दोस्तों ये देखिए, ये गणेश जी के कमर में एक कमर कोछा रहता है, तो ये वो है। और इसके सामने ये देखिए, अभी मैं बना रहा हूँ उसका आँचल, यानी कि जो कमर कोछा है उसका ये सामने का आँचल, ठीक है। अब इसके ऊपर ये देखिए, ये गणेश जी का चेस्ट है। मिट्टी का एक छोटा सा और एक मोटा सा कॉयल, उसको मैंने गणेश जी के पेट के ऊपर बिठा दिया और पीछे से मिट्टी से जोड़ दिया। तो ये हो गया गणेश जी का चेस्ट। अब इसको थोड़ा सा और फिनिशिंग करना है मिट्टी से। ये देखिए, मैंने मिट्टी से इसको थोड़ा फिनिशिंग कर दिया। तो ये चेस्ट के बाद हम गर्दन बनाएंगे और उसके बाद गणेश जी का दो हाथ बनाएंगे। दोस्तों ये जो हम आज बाल गणेश जी का मूर्ति बना रहे हैं ना, इस मूर्ति में हम दो हाथ ही बनाएंगे, चार हाथ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम जिस फोटो को देख के इस मूर्ति को बना रहे हैं उस फोटो में सिर्फ दो ही हाथ है, ठीक है। तो इसलिए हम आज के इस मूर्ति में दो ही हाथ बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है गणेश जी का हाथ, ठीक है। इस हाथ को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो सेम तरीके से मैं दोनों हाथ बनाऊंगा, हालांकि उंगली में बाद में बनाऊंगा, अभी मैं दो हाथ बनाऊंगा और उस हाथ के साथ जो गणेश जी का आँचल है, ये देखिए ये गणेश जी का आँचल है, तो इस आँचल को बनाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप बाद में वीडियो में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। मैं इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखता हूँ 5000 लाइक्स, यानी कि 5000 लाइक्स। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में 5000 लाइक्स कंप्लीट होता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं गणेश जी का फेस को बना रहा हूँ। तो फेस को बनाने के लिए आपको एक बड़ा सा मिट्टी का बॉल बनाना पड़ेगा। अब बड़ा सा मिट्टी का बॉल क्यों? क्योंकि ये एक बाल गणेश जी का फेस है। दोस्तों आप लोग ये नोटिस करे होंगे कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके बॉडी के हिसाब से जो फेस है, जो माथे है, वो थोड़ा बड़ा होता है। तो इसीलिए यहाँ भी वैसे ही हम बनाएंगे, क्योंकि ये बाल गणेश है, यानी कि बेबी गणेश है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बॉडी के हिसाब से जो फेस है वो हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो इसीलिए हम इतना बड़ा मिट्टी का एक बॉल बनाए हैं। दोस्तों ये जो बाल गणेश जी का फेस है, इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, खासकर बिगिनर्स के लिए। लेकिन दोस्तों आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत ही आपको आसान लगेगा। दोस्तों आप जब कोई भी बेबी फेस बनाएंगे ना मिट्टी से, तो आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे कि बेबी फेस में आँखें जो है वो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, नोज़ बहुत ही छोटा होता है, और जो चिन है, लिप्स चिन, ये भी बहुत छोटा होता है। बेबी फेस में जो फोरहेड होता है, यानी कि आँख के ऊपर का जो हिस्सा है जिसको हम ललट बोलते हैं, ललट और माथे यानी कि जहाँ पे हेयर होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। आँखें भी बड़ा होता है और बाकी जो नोज़ है, लिप्स है, और जो चिन है यानी कि आँख के नीचे का जो हिस्सा है, वो सब छोटा छोटा होता है। और बॉडी के कंपैरिजन में जो फेस है वो थोड़ा बड़ा होता है। और जहाँ तक बात है बेबी गणेश जी का फेस के बारे में, तो उसमें भी पहले आपको बेबी फेस बनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें जैसे कि मैंने बोला कि एक बेबी का फेस में जो नाक है वो थोड़ा छोटा होता है, तो यहाँ भी गणेश जी का जो सूर है वो थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम इस फेस को क्यूट दिखाने के लिए
गणेश जी का जो कान है वो हम थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। यानी कि दोनों कान हम जो नॉर्मल गणेश जी का कान होता है उसके हिसाब से थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे गणेश जी का जो फेस है वो दिखने में और ज़्यादा क्यूट लगेगा, ठीक है। हालांकि फ़ोटो में वैसा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं गणेश जी का जो कान है वो अगर मैं ऐसा बनाऊँ तो गणेश जी का फेस दिखने में और ज़्यादा क्यूट लगेगा, तो इसीलिए मैं गणेश जी का कान थोड़ा बड़ा बड़ा बनाऊँगा। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर मैं गणेश जी का जो फेस है वो पूरा बना लिया है। अब देखिए मैंने पानी स्प्रे कर दिया, अब अपने उंगलियों से इसको मैं पूरा क्लीन कर रहा हूँ। इसके बाद हम हेयर को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए अभी हम एक क्ले टूल्स की मदद से गणेश जी का जो हेयर है इसको देखिए अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। दोस्तों आज मैं सिर्फ मिट्टी से इस गणेश जी को बना के दिखाऊंगा, और अगर इस वीडियो में 5000 लाइक्स आ गया, जैसे कि मैंने टारगेट रखा था, अगर इस वीडियो में 5000 लाइक्स कंप्लीट हो गया तो मैं इस गणेश जी की मूर्ति को कलर भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं गणेश जी का जो कान है वो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाऊंगा, तो देखिए मैंने वैसे ही बना दिया। और अभी देखिए गणेश जी का जो फेस है ये देखने में कितना क्यूट लग रहा है ना, बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो ये देखिए अभी मैं एक ब्रश से गणेश जी का पूरे बॉडी को अच्छे से ब्रशिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे इस मूर्ति में फिनिशिंग काम करना है। फिनिशिंग काम में क्या कहता है, जैसे कि देखिए ये उंगली हो गया, हाथ का, पैर का, और जो भी ज्वेलरी है ये सब बनाएंगे तो ये फिनिशिंग काम में आता है। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये एक हाथ हो गया, आशीर्वाद का हाथ है, और दूसरे हाथ में गणेश जी एक छोटा सा फ्लावर पकड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए इस हाथ में मुट्ठी का हाथ है, इस हाथ में हम थोड़ा सा एक फ्लावर बना देंगे। ये देखिए मैं अभी गणेश जी का जो पैर का उंगली है उसको देखिए मैं बना रहा हूँ। तो दोनों पैरों का हमने उंगली बना दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी गणेश जी का जो ज्वेलरी है उसको बनाएंगे। तो इस मूर्ति में मैं ज़्यादा कुछ ज्वेलरी नहीं दूंगा, क्योंकि बाल गणेश जी का मूर्ति है, तो इसीलिए मैं बहुत ही कम ज्वेलरी यहाँ पे रखूँगा। सिर्फ एक मुकुट और दो हाथों में दो ब्रेसलेट और गले में एक छोटा सा माला, बस इतना ही। ये देखिए गले में अभी मैं एक छोटा सा माला बना रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए पहले मिट्टी से एक पतला सा कॉयल बना लिया, और उसके ऊपर देखिए क्ले टूल से इस तरह का हमने डिज़ाइन बना लिया, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये बन गया माला। अब दोनों हाथों में दो ब्रेसलेट लगा दूंगा, ये देखिए बहुत ही सिंपल है। ये देखिए गणेश जी का दांत बना रहा हूँ बहुत ही छोटा छोटा। अब इसके बाद ये देखिए ये मोर का पंख का मोल्ड है, अब इससे हम एक मोर का पंख बना लेंगे और उसको गणेश जी के माथे में हम लगा देंगे। ये देखिए एक छोटा सा मोर का पंख हमने बना लिया, आप इसको अपने हाथों से ही बना सकते हैं, और इसको हमने गणेश जी के माथे में लगा दिया, और हाथ में एक छोटा सा हमने फ्लावर बना दिया। और उसके बाद गणेश जी का जो वाहन है यानी कि मूसक का भी हम बना देंगे और गणेश जी के साइड में रख देंगे। तो इसके बाद ही हमारा जो गणेश जी का मूर्ति है वो बनके पूरा रेडी हो गया है। तो ये देखिए गणेश जी का मूर्ति का फाइनल लुक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।